नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स फैशन में वेलकम है। मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा। आज मैं जिस वीडियो को आपके सामने लेकर के आई हूं वो है रंजीत गुहा का सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव। पिछले वीडियो में बेसिकली हम लोगों ने सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव क्या है इसको जान लिया था। आई थिंक आप सभी के डाउट्स बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। और आज सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव को जो इंडिया में बहुत आगे बढ़ाया या सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव को एक पायनियर मान सकते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, रंजीत गुहा। ठीक है, अगर देखा जाए एक लाइफ स्केच तो इनका जन्म 23 मई 1923 को बाकेरगंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, जो आज बांग्लादेश में है, वहां पर ये जन्म लिए। और इनकी मृत्यु 28 अप्रैल 2023 में ये एक्सपायर हुए हैं। और एकदम 99 एज, मतलब माना जाता है कि कुछ ही दिन रह गए थे इनको सेंचुरी लगाने में। तो क्या भाई, ईश्वर का जब भी बुलावा आता है जाना ही रहता है। तो इस एज में ये हम सभी को छोड़ करके चले गए। और इन्हें माना जाता है पायनियरिंग द सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप। ये इन्होंने, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था सबाल्टर्न जो स्टडी ग्रुप्स बना उसमें कौन कौन से थिंकर्स थे। बेसिकली वो सारे ग्रुप्स को जो बनाने का काम था ये रंजीत गुहा ने किया था। ठीक है, ही इज नोन फॉर सबाल्टर्न स्टडीज, अ सीरीज ऑफ एडिटेड वॉल्यूम्स दैट सॉट टू प्लेस द पुअर एंड अप्रेस्ड एट द सेंटर ऑफ हिस्ट्री। आपको पिछले वीडियोस में आपने बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बेसिकली सबाल्टर्न स्टडीज क्या कहती है, ये स्टडीज कहती है कि जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, अप्रेस्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जिनको दबाया गया है, जो बहुत वंचित है, गरीब है, जिनका इतिहास में कभी भी कॉन्ट्रीब्यूशन को हम रिकग्नाइज नहीं किए, ऐसे जो इन लोगों को फिर से उठा करके फिर से स्टडी करना जो कहलाता है वो सबाल्टर्न स्टडीज कहलाता है। इन्होंने इसी पे बुक पे काम किया और 6 वॉल्यूम तक ये बुक जो आई सबाल्टर्न स्टडीज से रिलेटेड, 6 वॉल्यूम मतलब 1982 से लेके 1989 तक इस पूरे को इन्होंने ही एडिटेड किया था, रंजीत गुहा ने ही एडिटेड किया था। एंड आगे के जो इनके जूनियर्स थे 1992 से 2005 तक जो एडिशन का काम किया, एडिटेड बाय हिज जूनियर्स, तो इनके जूनियर्स ने बहुत काम किया। ऑल्सो ऑथर्ड इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, पीजेंट्स इंसर्जेंसी इन 19th सेंचुरी इंडिया एंड सम ऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। इन्होंने कई सेक्टर्स में काम किया है। बेसिकली ही इज नोन फॉर द सबाल्टर्न स्टडीज, बट जो बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट हुआ, आप सभी अगर इतिहास कभी भी थोड़ा भी पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो आप परमानेंट सेटलमेंट क्या था इसे आप जानते हैं। मैं यहाँ पर एक आपको क्विक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पर बताया है कि परमानेंट सेटलमेंट क्या है। ब्रॉट इंटू इफेक्ट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी हेडेड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस इन 1793। जब लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के आता है भारत में 1793 में, तो उसने ही परमानेंट सेटलमेंट ले आया। इसमें क्या था, बेसिकली इसमें क्या था, शॉर्ट में हम समझते हैं कि एन एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड द जमींदार्स टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ आया, आप जानते हैं कि 1857 के रिवोल्यूशन के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से समाप्त हो गया, और फिर उसके बाद से पूरी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका शासन हमारे ऊपर आ गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो भारत में जो भूमि के जमींदार्स होते थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट सेटलमेंट हुआ लैंड रेवेन्यू को लेकर के, कि आप इतना परसेंट टैक्स देंगे, आप इतना परसेंट टैक्स देंगे। वो डिटेल्स में बातें हैं, उस पर मैं नहीं जा रही हूँ। बट परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल का मतलब लैंड रेवेन्यू और टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर है। तो इन्होंने इस पे भी काम किया रंजीत गुहा ने। इन्होंने पीजेंट इंसर्जेंसी, जो पीजेंट मूवमेंट हुए, विद्रोह हुए, जो उन पे काम किया, और साथ में सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी पे, कि जो सबाल्टर्न के बारे में इतिहास में लिखा नहीं गया है उस पे इन्होंने बहुत काम किया कि हमें इन्हें भी रिकग्नाइज करना चाहिए। ही मूव ड्यूरिंग अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल लाइफ फ्रॉम हिज विलेज टू कैलकटा
to Europe, back to Calcutta, then settled in England, followed by Australia. मतलब इनका जो लाइफ रहा है ना वो पूरी तरह से घूमते हुए बीता है. मतलब ये पहले एक गांव से निकल के, जो कलकत्ता का एक गांव था उससे निकल करके ये आगे शहर में आए, शहर से यूरोप गए, यूरोप से फिर कैलकटा वापस आए, इंग्लैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए. मतलब थ्रू आउट ये अपने लाइफ में हर कंट्रीज कंट्रीज इनका मूवमेंट रहा. इनकी राइटिंग्स देखे, कई एग्जाम्स में इनके बुक्स के बारे में पूछ दिया जाता है कि इनकी इनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, तो आप इन राइटिंग्स को आप जरूर देख लीजिए जो यहाँ पर शो कर रहा है. एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पीजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया. सेकेंड बुक है डोमिनेंस विदाउट हेजिमनी, अ रूल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बंगाल, अ सबाल्टर्न स्टडीज रीडर, द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, कलेक्टेड एसेज. ये इनकी जितने भी इन्होंने जो लेखन का कार्य किया ना, इनकी जो भी एसेज थी वो कलेक्शन के फॉर्म में इसी किताब में मिलती है, स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री एट द लिमिट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड इंडियन हिस्टोरियोग्राफी ऑफ इंडिया, अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमैनिज्म इन कॉलोनियल इंडिया. ये बेसिकली इनके इंपॉर्टेंट राइटिंग्स हैं. आगे चलते हैं अब धीरे धीरे हम इनके थ्योरी को. अब अगर आपने पिछला वीडियो देखा है ना सबाल्टर्न स्टडीज का, तो आपको रंजीत गुहा समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा. Rewriting the history of the people is the goal of subaltern studies, a post-colonial idea that originate in India. ये जो अगर आप ग्रामसी का देखेंगे ना तो वो क्लास के संदर्भ में बोलते हैं ज्यादातर. अगर आप रंजीत गुहा को देखेंगे, रंजीत गुहा ने इंडिया में जो सबाल्टर्न स्टडीज की शुरुआत की वो बेसिकली जब कॉलोनियल पीरियड में पीजेंट्स और ट्राइबल सोसाइटीज के जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं इंडियन नेशनलिज्म में, उसमें उन मतलब राइटिंग्स में जब हिस्ट्री लिखी गई तो उसमें उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देखा गया. तो यहां से मामला शुरू होता है. और रंजीत गुहा और उनके जो ग्रुप थे, जो पिछले पीछे मैंने एक चर्चा किया कि इनके जो ग्रुप थे उसमें पार्थ चैटर्जी, डेविड हाजिमन, शाहिद अमीन, ज्ञानेंद्र पांडे, डेविड आर्नोल्ड, सुमित सरकार, दीपेश चक्रवर्ती, ये सारे लोग, और गायत्री जी का भी मैंने नाम लिया था जो वुमेन सबाल्टर्न स्टडीज को उन्होंने शुरू किया था. तो ये इनकी पूरी टीम्स थी. ठीक है. द हिस्ट्री ऑफ सबाल्टर्न पीपल इज द फोकस ऑफ सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी और हिस्टोरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी. जो सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव के मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अगर हमें हिस्ट्री को समझना है, देखिए इतिहास और हिस्ट्री में फर्क होता है. ठीक है. अब जब हम डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं तो इतिहास एंड हिस्ट्री इज डिफरेंट थिंग, फिलोसफी एंड दर्शन इज डिफरेंट थिंग, रिलीजन एंड धर्म ये सब अलग अलग है. हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेशन करते हैं तो हम रिलीजन को, धर्म को रिलीजन बोल देते हैं, हिस्ट्री को इतिहास और इतिहास को हिस्ट्री बोल देते हैं, बट ये अलग चीज है. इन्होंने कहा कि जब भी हिस्ट्री लिखी गई उसमें सबाल्टर्न के कंट्रीब्यूशन को नहीं देखा गया, या हमें फिर से एक नए तरीके के रिसर्च मेथोडोलॉजी को डेवलप करना होगा. जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी कई कई तरह के होते हैं, मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है. तो रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब अगर हमें हिस्ट्री को जानना है तो हमें ऐसी मेथोडोलॉजी को भी तलाशने की जरूरत होगी जिनमें इनके भी कंट्रीब्यूशन को देखा जा सके. ओके. अकॉर्डिंग टू गुहा द सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी फोकस ऑन द पीजेंट्स एंड द ट्राइबल मूवमेंट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया एज इट हैज बीन ओवरलुक्ड बाय द डोमिनेंट मेनस्ट्रीम एलीट्स हिस्टोरियोग्राफी. गुहा ने ये आरोप लगाया है, ये बात कही है कि जब भी पास्ट में हिस्ट्री लिखी गई एलीट्स हिस्टोरियोग्राफी हुआ, ठीक है, जो एलीट क्लास है उसके बारे में लिखा गया, पढ़ा गया, पीजेंट सोसाइटी के बारे में, ट्राइबल सोसाइटी के बारे में, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा पढ़ा गया है. तो सबाल्टर्न स्टडीज क्या है, जब हम पीजेंट्स, ट्राइबल्स ऐसे वर्गों के बारे में, हम इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, इनके एक्शन के बारे में जब हम लिखना और पढ़ना शुरू करें. अकॉर्डिंग टू हिम द एलीट हिस्टोरियोग्राफी हैज द टेंडेंसी टू एनालाइज इंडियन नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल.
जो इलीट हिस्टोरियोग्राफी है, मतलब ऐसी राइटिंग्स जिसमें इलीट क्लास के बारे में कहा गया है, उन उनमें उनके फ्रीडम स्ट्रगल को, उनके नेशनलिस्ट मूवमेंट को ही दिखाया गया है. दिस टाइप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन द रोल दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंडिविजुअल लीडर्स प्लेड एज द मेन फोर्सेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, आप वही मैं रिपीट कर रही हूँ उस चीज को बार बार कि जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उसमें सबाल्टर्न स्टडीज, मतलब क्या कि उनमें भी जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए उस उनमें भी जो पीजेंट के क्या कंट्रीब्यूशन थे, ट्राइबल लोगों के क्या कंट्रीब्यूशन थे, या जो भी सोसाइटी के मार्जिनलाइज सेक्शंस थे, इवन मार्जिनलाइज सेक्शन में वुमेन भी आती हैं, तो वुमेन्स के क्या कंट्रीब्यूशन थे, ये हमें समझना बहुत जरूरी होगा. In his paper, Some Aspects of Historiography of Colonial India, Guha makes the cases that these elites, the colonial and bourgeois nationalists, dominated and the history of Indian nationalism. क्या बात की कि उनका एक पेपर है, रंजीत गुहा का एक पेपर आता है, रिसर्च पेपर, Some Aspects of Historiography of Colonial India, 2013 में आया है. इस पेपर में उन्होंने ये कहा है कि जो एलीट क्लास हैं, आप हमारे जब कॉलोनिज्म का दौर रहा उसमें जो एलीट क्लास रहे या जो कॉलोनियल रहे, मतलब जो हमारे ऊपर शासन किए, या बोर्जुइज रहे, बोर्जुइज मतलब जिनका की मोड ऑफ प्रोडक्शन में कंट्रोल रहा शुरू से, उन्हीं लोगों के बारे में ही चर्चा की गई है हमेशा से. हमारा जो हिस्टोरियोग्राफी है, इट इज ऑलवेज डोमिनेटेड बाय दीज टू टाइप्स ऑफ एलीट्स. ओके, दिस काइंड ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग्स कन्वेज द आइडिया दैट द इंडियन नेशन एंड नेशनलिस्ट कॉन्सिक्वेंसेस वर ओनली द प्रोडक्ट ऑफ एलीट अचीवमेंट. द सबाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफर्स आर्ग्यूड दैट There was politics of the dominant elites. जो भी subaltern historiographers हैं, मतलब जो भी लिखने वाले लोग हैं, history लिखने वाले लोग हैं, उनमें subaltern history लिखने वाले जो लोग हैं, उनका ये शुरू से एक हमेशा से एक argument रहा है, वो मतलब argument दिए हैं कि जो भी politics हुई उसमें भी dominant elites, जो elites हैं वही हमेशा से dominant role play किए हैं. Their politics did not originate from the elite politics and did not depend on their elite politics. For them, the subaltern is an autonomous domain. देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है कि रंजीत गुहा क्या बोलते हैं कि जो subalterns रहे, देखिए उनकी राजनीति कभी भी इलीट से नहीं शुरू हुई और न ही उनकी जो पॉलिटिक्स थी, उनकी जो राजनीति थी वो इलीट्स पे डिपेंड थी. एलीट्स पे वो कभी भी डिपेंड नहीं रहे कि चलिए बड़े बड़े जो एलीट क्लास हैं उनके साथ मिल करके वो संघर्ष कर रहे हैं, नेशनलिज्म के अलग अलग मूवमेंट चला रहे हैं, ऐसा नहीं रहा. हमेशा से जो पीजेंट सोसाइटी रही, जो ट्राइबल सोसाइटी रही, वो खुद अपनी लड़ाई लड़े हैं. वो उनका लीडर भी खुद का रहा है, उस मूवमेंट का इनिशिएशन भी उनके द्वारा हुआ है, इवन जो आगे बढ़ाया गया मूवमेंट को वो भी इन्हीं लोग द्वारा रहा. वो कभी भी एलीट क्लास पे डिपेंड नहीं रहे, ऐसा भी रंजीत गुहा अपने रिसर्च पेपर में कहते हैं. तो इस तरह से देखा जा सकता है कि जो रंजीत गुहा ने पूरा ऑल टोटल बताया कि जो हमेशा से सबाल्टर्न्स के या जो मार्जिनलाइज सेक्शन है सोसाइटी के, उनके कंट्रीब्यूशन को सोसाइटी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, इतिहास लेखन में कभी उसकी चर्चा नहीं हुई, तो फिर से हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे लोगों के कंट्रीब्यूशन को, वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है या फिर वो ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, इसको फिर से काम करने की जरूरत है. एक मैंने इस तरह से रंजीत गुहा के जो आइडियोलॉजी थी उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, ये फ्लो चार्ट और ऐसे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू. पहला इसमें पॉइंट समझाया जा रहा है कि इन्होंने सबाल्टर्न को डिफाइन कैसे किया, दोज ग्रुप्स इन सोसाइटी हु आर सोशली पॉलिटिकली की
इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड एंड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ पावर एंड डिसीजन मेकिंग. इन्होंने सबाल्टर्न को कैसे डिफाइन किया कि सिर्फ सोशली ऐसे लोग नहीं, मतलब सोशली भी, मतलब सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी ऐसा समाज का समूह जो हमेशा से मार्जिनलाइज्ड रहा है या उनको पावर और डिसीजन मेकिंग से में शुरू से एक्सक्लूड करके रखा गया, बाहर करके रखा गया, या ऐसे लोगों को रंजीत गुहा ने सबाल्टर्न्स कहा. रंजीत गुहा का कहना है कि चैलेंज द कन्वेंशनल हिस्टोरियोग्राफिकल फोकस ऑन एलीट और रूलिंग क्लास पर्सपेक्टिव, सबाल्टर्न ग्रुप्स वाज एसेंशियल टू अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री. इन्होंने कहा कि जब अगर हम सबाल्टर्न स्टडीज करते हैं तो जो जटिलताएं हमारे इतिहास में हैं, जो हिस्टोरियोग्राफी में, जो हमारे हिस्ट्रीज में जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, वो कहीं ना कहीं तक सॉल्व हो गई, क्योंकि हम इसमें उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन को देखेंगे जिनके कॉन्ट्रीब्यूशन को अब तक रिकग्नाइज नहीं किया गया है. तो जब कहा जाता है ना कि जब एक एक चीज आप, एक एक लेयर आप जब निकालते चल रहे हैं तो कोई भी चीज जो अनसुलझी चीज है वो सुलझती चली जाएगी. वही है कि हमें उस हिडन लेयर्स को भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है जिनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में रहा है, हमारे फ्रीडम मूवमेंट में रहा है, आफ्टर फ्रीडम मूवमेंट हमारे सोसाइटी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रहा है. ठीक है. गुहाज वर्क एम टू डी कंस्ट्रक्ट डोमिनेंट हेजेमनी नैरेटिव्स एंड आइडियोलॉजीज दैट जस्टिफाई द एक्सप्लोइटेशन एंड मार्जिनाइजेशन ऑफ सबाल्टर्न ग्रुप्स. मतलब गुहा क्या कहते हैं कि हमें इस तरह के हेजेमनी को डीकंस्ट्रक्ट कर देना होगा, मतलब तोड़ देना होगा, विखंडित कर देना होगा. आप जानते हैं कि कुछ जो धारा है वो विखंडन की बात करती है, कि जो स्थापित स्ट्रक्चर है सोसाइटी का उसको टूटने की जरूरत है. तो इन्होंने कहना है कि जो डोमिनेंट हेजेमनी है हमारे सोसाइटी में, जो इलीट क्लास शुरू से कंट्रोल करते आ रहा है, और जो नैरेटिव्स हमारे सोसाइटी में इलीट क्लास से रिलेटेड बने हुए हैं, इन नैरेटिव्स को हमें तोड़ देना है और उसकी जगह पे हमें मार्जिनलाइज सेक्शन के का जो एक्सप्लोटेशन हुआ है, उनके साथ जो अत्याचार हुए हैं या उनके कॉन्ट्रीब्यूशन जो उनका रहा है सोसाइटी में, उनको फिर से स्थापित करने की जरूरत है. गुहाज अप्रोचेस वॉज इंटरडिसिप्लिनरी. गुहा, रंजीत गुहा हमेशा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के थे. इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब कि हिस्ट्री में, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री में, इन सब के थ्रू हमें इस सबाल्टर्न पर्सपेक्टिव को जानना जरूरी होगा. तो ये पूरा रंजीत गुहा से रिलेटेड है. मेरे ख्याल से अगर आपका, अगर सब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज फार एनफ कि आप इतने नोट्स को पढ़ करके, मेरे ख्याल से 5 से 6 पेजेस के रंजीत गुहा को मैंने एक्सप्लेन किया. और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं तो अगर आप कंसेप्ट समझे हैं और बुक्स को जरूर ध्यान में रख लीजिएगा, तब आपको मे बी अगर फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप सॉल्व करने के कैपेबल हैं. और आपको ये एडिटिंग कैसी लग रही है, मेरी छोटी बहन है निकिता, वो अपना एस्टैब्लिश कर रही है ये बिजनेस, उसने ही मेरे इस वीडियो की पूरी एडिटिंग करना शुरू किया है कि दीदी बहुत हो गया अब इस तरह से, अब आप थोड़ा सा अपने YouTube चैनल को एक ग्लैमर लुक दो. और ग्लैमर की बात नहीं है, कंटेंट आपके बेसिकली समझ में आए, इसलिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत थी. तो थैंक्स टू निकिता, मैं YouTube अपने चैनल के थ्रू उसे भी रिकग्नाइज, उसे भी मैं एक ये दे रही हूँ इम्पोर्टेंस कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और आप लोगों का फीडबैक भी अच्छा आया, व्यूज अच्छे जा रहे हैं. बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए और ऐसे ही अपने कुछ भी फीडबैक हो तो आप ज़रूर दीजिए कि आप किस टॉपिक पे चाहते हैं. और मेरे इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इसी में. आप इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो करिए और ऐसे ही अपना प्यार और सम्मान देते रहिए. आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ. नेक्स्ट वीक हम डेविड हार्डीमैन के कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ जल्द ही मिलेंगे. टिल देन गुड बाय, टेक केयर.